हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैस इजी। आज इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2019 का प्राइमरी सेक्शन का पेपर, जिसमें हम मैथ्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सबसे पहला काम करोगे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ोगे। 3 घंटे टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, आधे छात्र खेल रहे हैं बैडमिंटन, ठीक है, और 1/4 छात्र खेल रहे हैं वॉलीबॉल, 1/8 खेल रहे हैं टेनिस, और 1/16 खेलते हैं शतरंज, 1/16 खेल रहे हैं शतरंज, और बाकी जो बचे वो तैराकी करते हैं। फिलहाल आप देखो, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, तो पूछ रहा है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है वॉलीबॉल से, और दूसरा हमें मतलब है शतरंज से, और किसी से मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, समझो इस चीज़ को, कितने छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1/4 छात्र खेल रहे हैं वॉलीबॉल, और 1/4 छात्र की संख्या कितनी है? वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या है 160। कहने का मतलब ये है, वॉलीबॉल खेलने वालों की जो भिन्न में संख्या कितनी है? 1/4 है। और सवाल में नीचे भी कह रहा है, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, तो 1/4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 160 के। अगर यहीं से हम एक की वैल्यू निकालें तो 160 नीचे जो 4 है वो गुणा में आ जाएगा, भाग में है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इसकी आ जाएगी 16 × 64 = 640। मतलब कुल स्कूल में जो छात्र हैं वो कितने आ गए? 640 आ गए। अब पूछ रहा है कि शतरंज यहाँ देखो कितने खेल रहे हैं, 1/16। भाई एक की वैल्यू इतनी है 640, तो 1/16 की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, कितनी आएगी? 640 × 1/16, इसको डिवाइड कर दोगे 16 × 64, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 40। ठीक है, मतलब 40 छात्र ऐसे हैं जो आपके शतरंज खेलते हैं। आपका जो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 × 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? 18 × 3/4 में कितने चतुर्थांश? चतुर्थांश का मतलब समझो, चतुर्थांश का मतलब हो गया कि 1/4, चतुर्थांश, चौथा अंश। अब आपको क्या करना है, पहले तो उसकी वैल्यू निकालो। 4 × 18 से गुणा करोगे, 18 × 4 = 72, 72 और 3 हो जाएगा 75/4, आपने चेंज कर लिया। अब इसको किससे भाग देना है? आपको 1/4 से भाग देना है, 1/4 से भाग दे दो, सिंपल 1/4 से भाग दे दो। तो आप यहाँ पर देखो, 75/4 गुणा, इसको उल्टा कर दो, 4/1, चतुर्थांश का मतलब होगा 1/4। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 से 4 को काट दो, यहाँ कितना बचेगा? 75। तो 18 × 3/4 में 75 चतुर्थांश होंगे। क्लियर हो गया, चतुर्थांश का मतलब है 1/4 से आपको भाग देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सवाल ये था कि 6 अंक हैं, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 6 अंक आपको दे रखे हैं। तीन तीन रिक्त स्थान दिए, एक रिक्त स्थान ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, फिर एक यहाँ दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। इनको जोड़ने पर अधिकतम संभावित संख्या क्या होगी? अधिकतम संभावित संख्या कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या भी अधिकतम होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या भी अधिकतम होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्या अगर बनाओगे अधिकतम, तो आप ऊपर के इन तीन नंबर से अधिक से अधिक संख्या बना लो, अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या बनाओगे तो यहाँ बनेगी 876। हमने यहाँ 8 ले लिया, यहाँ 7, यहाँ 6 ले लिया, बाकी तीन अंक बचे। इन तीन अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या बनाओगे तो 4, 3, 2। भाई हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्यों बनानी है? क्योंकि ये कह रहा है कि अधिकतम संभव संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं, बस हमने लिख दिया यहाँ पे, जोड़ दो 6, 2, 8, 7, 3, 10 का 0, यहाँ से लेख 8, 4, 12, 1, 13, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देख लें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये कह रहा है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है, मतलब दीपा को एक पत्र और पार्सल भेजना है तो इसलिए वो डाक पोस्ट ऑफिस जाती है। डाक की दरें इस प्रकार हैं, पत्र का भार अगर 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, मतलब अगर और 20 ग्राम पर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, अगर और ज़्यादा, अगर 20 ग्राम में और 20 ग्राम ऐड कर देते हो तो 2 रुपये और लगेंगे। पार्सल का भार, पार्सल के लिए कितना चार्ज है? 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये चार्ज है। ठीक है, अगर 50 ग्राम से ज़्यादा होता है तो 3 रुपये अलग से चार्ज उसका लगेगा। तो ये पूछ रहा है, दीपा ने 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है तो उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है इसमें। देखो, दीपा को 2 पार्सल करने हैं ना, 2 पार्सल हैं 250 ग्राम के और 300 ग्राम के। अब हम पार्सल की वैल्यू निकाल लो, पार्सल में कितना खर्चा आ रहा है। पार्सल में 250 ग्राम का पार्सल है तो आप देखो कि 50 ग्राम पार्सल के लिए 5 रुपये लगते हैं, और 50 ग्राम से अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा ले जाते हो तो हर एक 50 ग्राम पे 3 रुपये बढ़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 50 ग्राम कितने बनेंगे, यहाँ पर 50 ग्राम आपके बनेंगे 50 ग्राम बनेंगे इसमें 250 में। तो इस वाले के लिए आपके कितने रुपए लगेंगे? पहले 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपये लगेंगे, बाकी के लिए एडिशनल तो 3-3 रुपये लगेंगे सभी के लिए। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 5, 17 रुपये हो जाएंगे 250 ग्राम वाले पार्सल के लिए। अगर वो 300 ग्राम वाला पार्सल कर रही है तो बस ये है 50 ग्राम, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना, अदरवाइज एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना कर रहा हूँ। 50 ग्राम के ये 6 बनेंगे, तो पहले 50 ग्राम के लिए कितना होगा? पहले 50 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 5 रुपये प्लस बाकी के लिए 3 रुपये, 3 रुपये आ जाएंगे 6, 5 बार, 3×5=15, 5, 20 रुपये। तो टोटल पार्सल करने में जो पैसे लगेंगे वो आपके लगेंगे 17 + 20 = 37 रुपये आपके लग गए पार्सल करने में। अभी उसे पत्र भी भेजने हैं, तो अब यहाँ पर देखो पत्र की वैल्यू कितनी है, पत्र की वैल्यू निकाल लो। पत्र की यहाँ बात करें, पत्र की अगर बात करें तो पत्र एक है 20 ग्राम का और एक है 35 ग्राम का। 20 ग्राम या उससे कम के लिए पत्र में देखो कितने रुपये लग रहे हैं, तो इसके तो जाएंगे 5 रुपये। इसके देखो 35 ग्राम, 35 ग्राम को 2 में तोड़ लो, 20 ग्राम + 15 ग्राम। अब आप मुझे बताओ कि 20 ग्राम है, जो 20 ग्राम है, 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपये जा रहे हैं, प्लस इसमें ये कह रहा है जो अतिरिक्त 20 ग्राम से अतिरिक्त होता है उसके लिए 2 रुपये जाएंगे, तो कुल मिला के 7 रुपये आपके हो गए पत्ते के। टोटल कितना खर्चा आएगा यहाँ पे? टोटल भेजने में देखो पत्र के भेजने में आपका खर्चा कितना आया, पत्र की बात करें तो पत्र को भेजने में खर्चा आया आपका 7, 5 ये 7 ये कितना आया 12 प्लस
पार्सल को भेजने में टोटल खर्चा कितना आया था? 37 रुपये। 37 इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा 49। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ। पहली संख्या अगर आप निकालोगे, फर्स्ट नंबर निकालोगे, तो पहली बार 50 में x जोड़ा गया, सेकेंड टाइम 50 में से x घटाया गया, और ये कह रहा है जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, जोड़ दो, तो प्राप्त संख्या कौन सी होगी? तो देखो यह x प्लस में एक माइनस में, x से x ही कट जाएगा, 50 50 कितने हो गए? 100। 100 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 100 आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम और ले लेते हैं, बाकी के कल जो क्वेश्चन बचेंगे वो कल की वीडियो में हम करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से आंसर चेक करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आप पहला कथन देखो। पहला कथन कह रहा है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 20 मिनट है। अब आप देखो, नागपुर इधर लेके आ जाओ, चेन्नई, नागपुर से चेन्नई, ठीक है, नागपुर से चली कितने बजे है? 5:35 पे चली है और चेन्नई पहुंच रही है 20:45 पे। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो समय लेंगे हम चलने का समय लेंगे, ठीक है। 5:35 पे चली है मतलब सुबह चली है और शाम को पहुंच रही है, किस टाइम? शाम को पहुंच रही है 20:45 पे। तो सुबह 5:35 से शाम के 5:35 तक, 5:35 AM से 5:35 PM तक कितना समय लगेगा? 12 घंटे लग जाएंगे। अब 5:35 का मतलब होता है 17:35 से 20:45 तक चलने में कितना समय लगेगा? 20:45 में 17:35 घटा दोगे, 3 घंटे 10 मिनट, टोटल समय लगेगा 15 घंटे 10 मिनट का। टोटल समय कितने का लगा? टोटल समय लगा 15 घंटे 10 मिनट का। तो देखो, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। वैसे तो पहला ऑप्शन सही हो ही गया, तो आप वही लगा ही दोगे, एग्जाम में सारे चेक नहीं करोगे, जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही ऑप्शन लगा दोगे, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ आपको। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली से कहाँ से कहाँ तक? नागपुर। न्यू दिल्ली से चल रही है 15:55 पे और नागपुर पहुँच रही है 5:25, नागपुर पहुँच रही है 5:25 पे। तो देखो, एक दिन पहले चल रही है और अगले दिन सुबह को पहुंच रही है 5:25 AM पे। तो मुझे बताओ, 15:55 का मतलब हुआ 3:55 PM, तो 3:55 PM से सुबह के 3:55 AM तक कितना चलेगी वो? 12 घंटे। और ऐसे ही अब 3:55 AM से 5:25 तक, 5:25 AM तक कितना चलेगी वो? 1 घंटे आप उधार दे दोगे, 1 घंटा उधार दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 4, और ये हो जाएंगे 60 85, 3:55 घटा दोगे तो 31, 12 घंटे और 1 घंटे 30 मिनट को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13 घंटे 30 मिनट। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, उसमें कह रहा है 11 घंटे 30 मिनट का, लेकिन हमारा समय कितना आ रहा है? 13 घंटे 30 मिनट का। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भोपाल से चेन्नई तक का समय, भोपाल से चेन्नई तक, तो भोपाल और यहाँ ले रहे हैं चेन्नई, ठीक है। भोपाल से चल रही है आपकी 005, चेन्नई पहुंच रही है 20:45, ठीक है। अब यानी रात के 12:05 पे चल रही है, 12:05 AM पे, उसी शाम को अगले दिन, सॉरी, रात के 12 बजे चल रही है और अगले दिन शाम को 20:45 पे पहुंच रही है, तो 12:05 से रात के दोपहर के 12:05 तक कितना समय हो जाएगा? 12 घंटे। दोपहर के 12:05 से आपका 20:45 तक कितना समय होगा? 12 में से 20 में से 12 गए 8, 8 घंटे 40 मिनट ही हो गए, 12 घंटे ही हो गए, तो आपके हो गए 20 घंटे 40 मिनट। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। और भोपाल से विजयवाड़ा, एक और चेक कर ले रहे हैं, भोपाल से विजयवाड़ा, भोपाल से विजयवाड़ा,
भोपाल से कितने बजे चल रही है? भोपाल से चल रही है रात के 12:05 पे, और विजयवाड़ा पहुंच रही है 14:15 पे। तो यहाँ पे रात के 12:05 AM पर चली, रात के 12:05 AM से दिन के 12:05 PM तक 12 घंटे, और 14:15 में से अगर 12:05 PM घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 2 घंटे 10 मिनट, यानी 14 घंटे 10 मिनट हो गए। लेकिन ऑप्शन में कह रहा है समय दे रखा है 13 घंटे 10 मिनट का, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आज के वीडियो में से इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।